डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक नॉर्वे शीट लेंगे और हम एक स्केल ले रहे हैं और स्केल की ब्रेथ के अनुसार हम शीट्स के ऊपर स्केयर्स बनाएंगे हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। सबसे पहले हमने स्केल को शीट्स के एज पे रखना है और एक लाइन लगाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट लाइंस लगाएंगे और ऐसे हमारी लाइंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम हॉरिजॉन्टल में भी ठीक ऐसे ही स्केल की ब्रेथ के अनुसार लाइंस लगाएंगे तो ये हमारे स्केल बन जाएंगे जिसमें हम राइटिंग सीखेंगे। अब ये हमारे स्केयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और हम इनको काउंट करेंगे। जैसे ये 12 स्केयर हैं, ये टू तरह के स्केल्स होते हैं, कुछ स्केल्स जिनकी ब्रेथ कम होती है और कुछ की ज़्यादा होती है। ये जो स्केयर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग रेडी होंगे। अब हम इसमें म्यूज़िक वर्ड लिखेंगे और म्यूज़िक वर्ड में 5 लेटर्स हैं और हम अपने लेटर के अकॉर्डिंग अपने इन स्केयर्स को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने जो अपने M लिखना है वो हमारा 4 स्केयर्स में आएगा और जो नेक्स्ट लेटर है U, जब हम वो लिखेंगे तो वो 2 लेटर स्केयर्स आगे से लेंगे और 2 स्केयर पीछे से लेंगे M की तरफ से। तो ऐसे क्या होगा कि हमारे जो लेटर्स हैं ओवरलैप हो जाएंगे। तो इसी तरह हम पूरे म्यूज़िक वर्ड के जो लेटर्स हैं और ये स्केयर्स हैं उनको डिवाइड कर लेंगे। नाउ अब हम M लिखेंगे जो फर्स्ट 4 ब्लॉक हैं उनमें। अब लेफ्ट साइड से भी 1 ब्लॉक छोड़ रहे हैं और राइट साइड से भी 1 ब्लॉक छोड़ रहे हैं। तो बीच में जितने भी ब्लॉक्स आएंगे स्केयर्स हमारे पास आ रहे हैं उनमें हम म्यूज़िक वर्ड लिखेंगे। और M की शेप का हमें पता ही है कैसी होती है, ये ऑर्नामेंटल राइटिंग है और हमने फ्री हैंड M लिखना है। अब नेक्स्ट लेटर जब लिखना है तो U जो है 2 स्केयर्स जो है M की तरफ और 2 स्केयर्स बाहर की तरफ, तो हम अपना U लेटर जो है कंप्लीट करेंगे। और जो U की लाइन हमारी M के बीच में आएगी हम उनको रेज कर देंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे M जो लेटर है वो हमारा ऊपर है और U नीचे चला गया। अब हमने S स्टार्ट करना है तो S भी वैसे ही U की तरफ से हम 2 ब्लॉक लेंगे और आगे 2 ब्लॉक लेंगे और अब हम S की शेप देंगे और बिल्कुल फ्री हैंड और स्केयर्स में लिखना है हमने और ये हमारा S कंप्लीट हो गया। अब I जो है वो हमारा सिंगल लाइन में जाएगा और ऐसे ही C 2 ब्लॉक हम इधर से राइट साइड से ले रहे हैं और 2 ब्लॉक हम I और S के बीच में से ले रहे हैं। और जितनी भी लाइंस जो हमारे लेटर्स के बीच में आएंगी हम उनको रेज कर देंगे ताकि हमारे जो लेटर्स हैं ओवरलैप नज़र आए हमें। जैसे M ऊपर आएगा U नीचे आएगा और ऐसे ही U
और ऊपर है और एस नीचे है, और जितनी भी बीच में सेंटर में लाइंस हैं हमने उनको अच्छे से रेज कर देना है। अब हम मार्कर या स्केच पेन से इसकी आउटलाइनिंग कर रहे हैं, और जितने भी स्केयर्स नीचे बने हुए हैं और जितनी भी लाइंस पेंसिल लाइंस हैं उन सबको हम अच्छे से रेज कर देंगे। अब हमारे जो एम म्यूज़िक की शेप आई है ठीक वैसे ही एम के बाहर की तरफ से हम स्टार्ट करेंगे, और जित थोड़ी से डिस्टेंस पर हम एक लाइन लगाएंगे जिस शेप में हमारे लेटर्स हैं। आप जितने भी नीचे एजेस हैं हम स्केल की हेल्प से हम अपनी स्केल को किसी भी एक एंगल पर रखेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस एंगल पर लेकर जा रहे हैं अपने स्केल को। तो हम ये लाइंस जितने भी एजेस बने हैं नीचे वहाँ पर ये लाइंस लगा रहे हैं। और इस लाइंस की लेंथ जो है आप लोग 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर हम लेकर जा सकते हैं। और जो लाइंस अभी हमने पेंसिल से लगाई है हम उसी के अकॉर्डिंग फिर एक नीचे और लाइंस लगा रहे हैं, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और इससे हमारा जो लेटर्स है वो 3D ग्रुप का रहेगा। और ये शेडो रेडी हो रही है, और अब हम जहाँ पर ये मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पर हम ब्लैक स्केच पेन या ब्लैक मार्कर से हम इसकी शैडो दिखाएंगे। और जितनी भी हमारी पेंसिल लाइंस हैं हम उनको फिर से ब्लैक मार्कर से उनकी आउटलाइनिंग कर रहे हैं, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हो। अब ये हमारे लेटर्स जो है इनकी ड्राइंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें कलरिंग करेंगे। कलरिंग के लिए आप ऑयल पेस्टल या पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन से कलर यूज़ करने हैं। तो हम इसमें ऑयल पेस्टल लेके जा रहे हैं। जब भी हमने अपने कलर बॉक्स को देखेंगे इसमें आप बहुत सारे कलर्स हैं, और ये कलर्स आपस में मिलते हैं, जैसे येलो कलर है, रेड कलर है, तो एक फैमिली है इसमें 5-4 कलर्स होते हैं, जैसे ऑरेंज है, ग्रीन है, और हम इसमें से लेमन कलर ले रहे हैं, 236 नंबर है, और हम ये म्यूज़िक वर्ल्ड में कंप्लीट इसमें ये करेंगे,
और ये स्लांट में करना है और लाइट करना है, इसको डार्क नहीं करना। और सभी लेटर्स में हम ये कलर कर रहे हैं। आप लोग हर लेटर्स में अलग अलग कलर कर सकते हो, चाहे एक कलर भी कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। देन आपने इसमें ग्रीन कलर लिया है, लाइट ग्रीन, जिसका नंबर है 240। तो ये कलर्स नंबर जो है आपको मिल जाएंगे, कौन कौन से कलर इसमें किए हैं हमने। और ये हमारा म्यूज़िक वर्ड कंप्लीट हो गया है। हम इसकी बैकग्राउंड में भी कलर कर रहे हैं। आप इसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक से रिलेटेड कोई ड्राइंग भी बना सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। नहीं तो इसमें सैंपल जैसे हम इसमें कलर कर रहे हैं, आप कलर कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।